ओम शांति। 17 सितंबर 2021। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, इस देह भान से मर जाओ, अर्थात इस पुरानी पतित देह से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत जोड़ो। प्रश्न। संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? उत्तर। ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए रहना, यही तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। जो ज्ञान के जेवरों से सजे हुए रहते हैं, उनका चेहरा खुशी में फूल की तरह खिला रहता है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर कोई देह अभिमान की आदत है, जिससे ही सब विकार उत्पन्न होते हैं। गीत। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? मरने के लिए। किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। ऐसी कब किसके साथ प्रीत हुई है क्या? जो यह ख्याल में आए कि मर जाएंगे, फिर कोई प्रीत रखेंगे? गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन जल मरते हैं। तुमको भी बाप के पास आते आते यह शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। यह तो जैसे बड़ा दुश्मन हो गया, जिसके साथ हम प्रीत रखें और मर जाएं। इसलिए मनुष्य डरते हैं, दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ते हैं तो मनुष्य कहते हैं भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है, वह आते हैं तो सारी पुरानी दुनिया को खत्म कर देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम इस यूनिवर्सिटी में आते ही हैं पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं, सिर्फ मुझे याद करो, मैं हूँ हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन मिल्कियत मकान आदि मिलेगा। बच्चियों को वर्षा मिलना नहीं है, उनको दूसरे घर भेज देते हैं, गोया वह वारिस नहीं ठहरी। यह तो बाप है सब आत्माओं का बाप। इनके पास सबको आना है, मरना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। पुरानी दुनिया में तो बहुत हैं, नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य हैं तो दुख भी बहुत है, इसीलिए पुकारते रहते हैं। बापू गांधी, जिसको भारत का पिता समझते थे, वह भी कहते थे, हे पतित पावन आओ।
सिर्फ उनको जानते नहीं थे, समझते भी हैं पतित पावन परम पिता परमात्मा हैं। वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी ना, यह भूल है। सारी दुनिया परम पिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है, लिबरेट करते हैं दुखों से। अच्छा दुख देने वाला कौन? बाप तो दुख दे ना सके क्योंकि वह पतित पावन है। पावन दुनिया सुख धाम में ले जाने वाला है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसे बाप वैसे बच्चे। लौकिक बाप के हैं जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को समझना है हम आत्मा हैं। परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। हम स्टूडेंट हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं। वह काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है। कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, वह भक्ति मार्ग का है। तुम कृष्ण के लिए मुरली नहीं कह सकते, मुरली शिव बाबा बजाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं। तुमको कोई भक्ति मार्ग के गीत आदि नहीं गाने हैं। तुम्हें तो एक शिव बाबा को ही याद करना है। बाप कहते हैं मुझ अल्फ को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदी। व्यापारी लोग बिंदी लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक बिंदी लिखें 10 हो जाएगा, फिर बिंदी लिखो तो 100। तुमको भी शिव बाबा को याद करना है। जितना शिव को याद करते हो तो आधा कल्प के लिए बहुत साहूकार बन जाते हो। वहाँ गरीब होते ही नहीं, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम नहीं। बाप की याद से विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। यही साथ चलेगी। मनुष्य सभी खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है। बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। बाप ने समझाया है प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तुम आत्मा पहले पवित्र थी, फिर अपवित्र बनती हो। सन्यासियों को भी सेमी पवित्र कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम जानते हो वह कितना सुख पाते हैं। थोड़ा सुख है फिर तो दुखी है। वह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में हनुमान की पूजा करो तो उसका दीदार हो जाता है। चंडिका देवी का कितना मेला लगता है, उनका चित्र भी होगा। जिनका ध्यान करेंगे वह तो जरूर सामने आएगा ही, परंतु उससे क्या मिलेगा? अनेक प्रकार के मेले लगते हैं क्योंकि आमदनी तो होती है ना। यह सब उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूर, बिगर धंधे नर से नारायण बनाने के। यह धंधा कोई बिरला करे,
बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना, क्योंकि तुम जानते हो हमको नया शरीर चाहिए। बाप कहते हैं, तुम कृष्णपुरी जा सकते हो, परंतु जब आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको पावन बनाओ। यहाँ सब मनुष्य मात्र पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ। इस पाप आत्माओं की दुनिया से लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने। वहाँ जाना तो अच्छा है ना? मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति कहते किसको हैं? यह नहीं जानते। कर्म बिगड़ तो कोई रह नहीं सकते। शांति तो है शांति धाम में। फिर यह शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए शांत रहते हैं। अशांति में मनुष्य को दुख होता है, इसीलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम हमारा घर है। सतयुग में शांति सुख सब कुछ है। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? यहाँ तो दुख है, इसीलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ पुकारते हैं। भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीढ़ी में देखो कितना अच्छा दिखाया है, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए भगवान कौन है। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया? आगे जन्म में यह कौन था? समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह जरूर तीखे जाएंगे। नंबर वार तो होते ही हैं, कोई डल हेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है, मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं, बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूँ, परंतु तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं। फिर बाबा क्या करेंगे? बहुत पाप किए हुए हैं, अब बाबा उनको क्या करेंगे? टीचर को कहेंगे हम कम पढ़ते हैं, टीचर क्या करेंगे? टीचर तो कोई कृपा नहीं करेंगे, करके एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे, वह तो तुमको मना नहीं है। प्रदर्शनी खाली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे यह मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं, बाप को ही याद करना है, जिससे वर्षा मिलता है। सतयुग में तो पारलौकिक बाप का वर्षा मिल जाता है, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाता है, तो बाप से अच्छी रीति से वर्षा लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते हैं, विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है, फिर उस आदत को छोड़ना मुश्किल हो जाता है।
बहाना कितने करते हैं। आदत कोई नहीं डालनी चाहिए, छी छी आदतें मिटानी हैं। बाप कहते हैं, जीते जी देहे का भान छोड़ो, मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र खाओ। अभी तुम बच्चों को फूल मुहाफिक हर्षित रहना चाहिए। कन्या को पति मिलता है तो मुखड़ा खिल जाता है ना, अच्छे जेवर आदि कपड़े पहनती है तो चमक उठती है। अभी तुम तो ज्ञान के जेवर पहनते हो, वहाँ स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। कृष्ण का नाम ही है सुंदर, राजा रानी प्रिंस प्रिंसेस सब सुंदर होते हैं। वहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है, लक्ष्मी नारायण जैसे नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ना सके। उनको कोई इन आँखों से देख थोड़ी सकते हैं। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई हूबहु चित्र बना थोड़े ही सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो जाए और उसी समय बैठ बनाए, परंतु है मुश्किल। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अभी बाबा हमको लेने लिए आया है, बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। यह हमारे 84 जन्म पूरे हुए, ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में होने से खुशी होगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, द्रौपदी ने भी इसीलिए पुकारा है ना। बाप कहते हैं, तुम एक मेरे से ही सुनो और यही श्रीमत औरों को सुनाओ। फादर शोज सन, सन शोज फादर। फादर कौन? शिव फादर। शिव और सालीग्राम का गायन है, शिव बाबा जो समझाते हैं इस पर फॉलो करो, फॉलो फादर। यह गायन उनका है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो, फॉलो करने से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरते हो, अब पारलौकिक बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं, एक एक रतन लाखों रुपयों का है। बाप रोज समझाते रहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको दो बाप का परिचय देना है। लौकिक बाप वर्षा देते हैं पतित बनने का, पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनने का। कितना फर्क है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, पावन बनो। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। तुम्हारी मिशन है पतितों को पावन बनाने का, रास्ता बताने वाली। पारलौकिक बाप भी अभी कहते हैं, पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है तो अब क्या करना चाहिए। जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना। प्रदर्शनी में यह भी प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए, पारलौकिक बाप को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो, बाप ही गारंटी लेते हैं, तुम भी गारंटी ले सकते हो। तुम पतित बनते ही क्यों हो, जो फिर पुकारते हो, हे पतित पावन आओ। सारी बात ही है
प्योरिटी पर। तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन खुशी रहनी चाहिए, हमको बाप स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कोई भी गंदी छी छी आदत नहीं डालनी है। जीते जी देह का भान छोड़ना है। फूल मुहाफिक हर्षित रहना है। दूसरा, पारलौकिक बाप को फॉलो कर पावन बनना है। उनकी श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करनी और करानी है। वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं, वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई, तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाती है। लेकिन व्रत प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन, गुण मूरत बनकर सर्व को गुण मूरत बनाना ही महादानी बनना है। ओम शांति।